हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वाति चौधरी है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहती हूं। मेरा गांव झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के नवलगढ़ तहसील में पड़ता है। यह घटना जो मैं आपको बताने वाली हूं, ये मेरे गांव वाले घर में घटी थी। ये ईयर 97 या 98 की बात है, मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन तब मैं शायद 6-7 साल की रही होगी। हमारे घर में तब मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और हम 6 बच्चे थे। हम 3 बहनें और एक भाई है, जबकि चाचा चाची की एक लड़की और एक लड़का है। दोस्तों, इस घटना को आप सच्ची मानो या ना मानो, लेकिन मेरे फैमिली के सभी बड़े मेंबर इसे एकदम सच्ची बताते हैं। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि रात के लगभग 9 बजे मेरी चाची, जिनका नाम कंचन है, उन्होंने सबके सोने के लिए चारपाई पर गुदड़ी बिछा दिए थे। हम राजस्थानी लोग बिस्तर को गुदड़ा बोलते हैं। ये गुदड़े शाम को चारपाई पर डालकर सोते हैं और सुबह समेटकर अंदर कहीं एक जगह रख देते हैं। मेरी चाची बिस्तर लगाकर बाहर हॉल में टीवी देखने चली गई। इसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी अपने कमरे में सोने गई तो देखती है कि उनके बिस्तर पर तो पहले ही कोई सो रहा है। वह एक औरत थी जिसने काफी पुराने समय के लहंगा और ओढ़नी पहन रखी है। उसे देखकर मेरी मम्मी थोड़ी चौंक गई। मेरी मम्मी ने उसको हमारी भाषा में आवाज लगाई, कौन हो थे, अठे काई कर रहा हो, मैं थाने को नहीं जानू, मतलब कि कौन हो आप, यहाँ क्या कर रही हो, मैं आपको नहीं जानती। लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। वह चारपाई पर सीधी लेटी हुई थी और उसने चेहरे पर घूंघट कर रखा था, इसलिए मेरी मम्मी उसका चेहरा नहीं देख पाई। मम्मी ने सोचा कि शायद ये कोई पागल औरत है, तो मम्मी हॉल में आ गई जहाँ हम सब लोग टीवी देख रहे थे। मम्मी ने पहले उस औरत के बारे में दादी को और फिर चाची को बताया। जब उन तीनों ने अंदर जाकर देखा तो वह उसी चारपाई पर लेटी थी। मेरी दादी ने भी उसको आवाज लगाई, कौन है तू, अठे काय कर रही है, मतलब कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद वह सोती हुई कुछ बड़बड़ाने लगी और किसी जानवर की आवाज में गुर्राने लगी। वह उन तीनों को गालियां दे रही थी और अचानक चारपाई पर सीधी बैठ गई। कुछ देर बाद वह ऊपर मुंह करके छत को देखने लगी। उसने मुंह ऊपर किया तो उसका घूंघट हट गया था, लेकिन अब भी उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल अब भी उसके चेहरे पर थे। वह कुछ देर छत को देखने के बाद तेजी से ऊपर उछली और छत के बीच से ही आसमान की तरफ चली गई। ऐसा लगा कि जैसे वो छत के बीच से ही छेद करके निकल गई हो। उसके छत के बीच से निकलने से छत में तो कोई छेद नहीं हुआ, लेकिन पूरे कमरे में बहुत ही गंदी बदबू हो गई। इस दृश्य को देखने के बाद मेरी मम्मी और चाची डर के मारे काफी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरी दादी हिम्मत करते हुए दोनों को रूम से बाहर लाई। उस समय मेरे पापा और चाचा दोनों गाँव में कहीं बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन दादाजी घर पर ही थे। दादी ने दादाजी को पूरी बात बताई। इसके बाद दादी और दादाजी वापस उसी कमरे में गए तो वह चुड़ैल तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन पूरे कमरे में तेज गंध फैली हुई थी। मेरे दादाजी कुछ देर तक सबको हिम्मत बंधा कर पड़ोस में चले गए ताकि कुछ बड़े बुजुर्गों को ला सके। कुछ देर बाद काफी सारे आदमी और औरतें हमारे घर आ गई, और ये सुनने के बाद मेरे पापा और चाचा भी तुरंत घर आ गए। सभी आसपास के लोगों ने मम्मी के कमरे को खोलकर देखा तो वह तेज बदबू अब भी आ रही थी। अब हमारे पड़ोस में रहने वाली औरतों ने बोला कि इस कमरे को खुला ही रहने दो ताकि बदबू निकल जाए, और वह चारपाई पर बिछे हुए बिस्तरों को उठाकर बाहर ले आई। उस रात हम सब लोग काफी डर गए थे। बाहर के हॉल में मेरे दादाजी, पापा, चाचा और हम सब बच्चे सो गए, और पीछे का एक कमरा जिसमें कुछ सामान रखा रहता है उसमें सारी औरतें, दादी, मम्मी, चाची और पड़ोस की 2 औरतें सो गई। हमारी दादी बताती है कि काफी देर रात तक उनको नींद ही नहीं आई। सुबह उठने के बाद फिर से हमारे घर पर पड़ोसी जमा हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। वह कौन थी, क्या वह चुड़ैल थी या फिर एक छलावा, वह यहाँ क्या करने आई थी। सुबह के 8:30 ही बजे होंगे, अचानक मेरी चाची के पेट में दर्द होने लगा। उनको काफी देर तक घर पर ही प्राइमरी पिल्स दी गई, मगर उनका पेट दर्द इतना बढ़ गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन शाम को खबर आई कि चाची का गर्भपात हो गया है। उनका 4th महीना चल रहा था। इसके बाद शाम को हमारे घर में मातम सा छा गया। मेरी चाची बताती है कि जब वह हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वह चुड़ैल उनके पांवों की तरफ बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। चाची की आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, और इसके बाद वह भयानक चुड़ैल मेरी चाची को सपनों में कई दिनों तक दिखाई देती रही, वह चुड़ैल जो उनके पेट में पल रहे बच्चे को खा गई। इसके 2-4 दिन बाद ही मेरे दादाजी ने घर में पूजा करवाई और रात के 12 बजे पूरे घर का जापता करवाया। जापता हम लोग प्रेत बाधा दूर करने को बोलते हैं। इसके बाद मेरी मम्मी के कमरे की वह गंध तो चली गई, मगर मम्मी खुद के कमरे में जाने से ही डरने लगी। वह दिन में भी अकेली कमरे में नहीं घुसती थी, और रात में जब मेरे पापा घर आ जाते वह उनके साथ कमरे में जाती। उस दिन के बाद मेरे घर वालों ने उस चुड़ैल के छलावे को कभी नहीं देखा। पता नहीं उस रात हमसे क्या गलती हो गई कि वह चुड़ैल हमारे घर में घुस गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको